राजस्थान की धरती 70 के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर होगी अब हमारी नजर। आप देख रहे हैं राजस्थान खबरें, आवाज राजस्थान की। फार्म हाउस में हो रही थी अश्लील पार्टी, इंस्पेक्टर और तहसीलदार समेत 84 गिरफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने एक फार्म हाउस पर रेड डाली। इस रेड के बाद पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस फार्म हाउस में हाई प्रोफाइल पार्टी हो रही थी। यहां शराब, हुक्का और कसीनो के साथ ग्राहकों को लड़कियां परोसी जा रही थी। पुलिस ने मौके से 15 लड़कियों समेत कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से करीब 23 लाख रुपए का कैश भी बरामद हुआ है। इसके साथ यहां हुक्का और उसके कई तरह के फ्लेवर भी बरामद किए गए। एसीपी अजय लांबा ने रविवार की शाम को मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। एसीपी लांबा ने बताया कि हमें पार्टी की जानकारी मिली थी, इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड डाली। रेड में कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पार्टी में लड़कियों को सामान की तरह परोसा जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी के अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीपी लांबा ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले नरेश मल्होत्रा इस अपराध के सूत्रधार है। इस अपराध में नरेश मल्होत्रा का बेटा भी शामिल है। नरेश ने ही है पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके साथ ही जयपुर निवासी मोहित सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहित सोनी ही इस रिसोर्ट का संचालन करता है। कर्नाटक पुलिस का इंस्पेक्टर, बेंगलोर का तहसीलदार व कॉलेज प्रोफेसर भी पकड़ा गया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया गया कि वीकेंड पर 2 दिन के लिए यह फार्म हाउस बुक करवाया गया था, जहां पुलिस ने रात 2 बजे दबिश देकर इवेंट संचालक सहित 84 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 13 डांस गर्ल को भी पकड़ा। ये सभी पार्टी में डांस के लिए बाहर से बुलाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23,71,000 रुपए की रकम भी बरामद की है। इसके अलावा अंग्रेजी शराब की बोतलें, हुक्के, ताश पत्तियां, 14 लग्जरी कार व एक ट्रक भी जब्त किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में कर्नाटक पुलिस का इंस्पेक्टर, बेंगलोर का एक तहसीलदार और एक कॉलेज प्रोफेसर भी शामिल है। रात 2 बजे पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने छापा मारा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि साईपुरा बाग फार्म हाउस में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है, जिसमें अवैध रूप से कसीनो, डांस बार और जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। तब एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी के सुपरविजन में इंस्पेक्टर खलील अहमद की टीम गठित की गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम ने शनिवार देर रात 2 बजे साईपुरा फार्म हाउस पर छापा मारा। पुलिस को देखकर रात को उत्तेजक डांस के बीच लोग शराब छलका रहे थे, वहीं कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे थे। वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला।